बद्दी साई रोड पर स्थित एक्सिस बैंक में कुछ दिन पहले चोरी करने के प्रयास में एक युवक को पुलिस ने किया गिरफ्तार। पुलिस आरोपी को आज करेगी नालागढ़ कोर्ट में पेश। कुछ दिन पहले बद्दी के साई रोड पर एक्सिस बैंक को देर रात चोरों ने अपना निशाना बनाया था। हालांकि चोर चोरी करने में नाकाम रहे थे, जिसके बाद ब्रांच के हेड राहुल कुमार एक्सिस बैंक साई रोड बद्दी की लिखित शिकायत पर पुलिस थाना बद्दी में धारा 457 380 511 के अधीन एक अभियोग पंजीकृत किया गया था, जिसमें उन्होंने बताया था कि दिनांक 12/2/2023 की रात किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा उनकी उपरोक्त बैंक शाखा बद्दी में लूट की कोशिश की गई। मामले में बद्दी पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी विमल कुमार निवासी लखीमपुरी खीरी उत्तर प्रदेश को गिरफ्तार कर लिया है, जिसे नालागढ़ कोर्ट में पेश किया जाएगा। वहीं मामले की पुष्टि करते हुए एएसपी नरेंद्र कुमार ने बताया कि आरोपी बद्दी में हेट्रो कंपनी में काम करता है और उसने बीटेक कर रखी है। आरोपी ने बताया कि उसने एक्सिस बैंक से लोन लिया था, वो पैसे आरोपी ने ऑनलाइन गेम खेलकर बर्बाद कर दिए। आरोपी से पूछताछ में बताया कि उसकी शादी होने वाली थी, इसीलिए उनके परिवार वाले पैसे मांग रहे थे, इसीलिए आरोपी ने 12 फरवरी की रात को साई रोड पर स्थित एक्सिस बैंक में चोरी करने का प्रयास किया था, जिसको लेकर पुलिस ने एक टीम का गठन किया और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आज आरोपी को कोर्ट में पेश किया जाएगा। ये जो मामला था, ये बैंक में चोरी करने का प्रयास का था। इसमें पुलिस ने जो है एक अक्यूज जो था इसको अरेस्ट कर लिया। इसका नाम विमल कुमार है और ये लखीमपुर यूपी का रहने वाला है और ये हेट्रो कंपनी में यहाँ बद्दी में हेट्रो कंपनी में काम करता है और ये बीटेक इसने कर रखी है। तो इसमें इसने इन्वेस्टिगेशन में बताया कि इसने एक्सिस बैंक से लोन ले रखा था, जो लोन इसने ऑनलाइन जो गेम कुछ गेमिंग में जो है इसने उसको पैसे को जो लोन लिया था उसमें उसको गवा दिया और इसकी अभी जल्दी ही कोई शादी होने वाली थी तो घर वालों ने इसके ऊपर इसको पैसे के लिए कहा तो ये प्रेशर में आ गया और उस लोन को जो ऑलरेडी ये लुटा चुका था ऑनलाइन गेमिंग में, तो उसकी वजह से इसने उस बैंक में चोरी करने का प्रयास किया। तो सर इसके साथ कोई और अन्य आरोपी तो नहीं था? नहीं, इसकी हमने पूरी तरह इंटरोगेशन कर ली है, इसके साथ कोई अन्य आरोपी नहीं था, ये अकेला ही था और इसने इसी प्रेशर में कि पैसे गवा चुका था तो इसने उस प्रेशर में आ गई इस तरीके की जो है ये वारदात को अंजाम दिया। ऐसा कोई ऐसा जो इसका था ऐसा कोई पर्टिकुलर स्टूल नहीं बता सकते, जो भी लोकली जो मिला इसने उसे कोशिश करी उसको अटेम्प्ट करने की। हिमाचल प्लस न्यूज़ के लिए नालागढ़ से सुरेंद्र सिंह की रिपोर्ट।